हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अकबर की राजपूत नीति इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। अकबर की राजपूत नीति मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसने अपनी महानता के अनुरूप मुगलों की राजपूत नीति में आधारभूत परिवर्तन किया। अकबर की राजपूत नीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे एक डायग्राम एवं संक्षिप्त व्याख्या द्वारा निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित करते हैं। अकबर की राजपूत नीति को देखें तो ये इसकी पहले हम भूमिका, उसके पश्चात हम उसके उद्देश्य, उसके बाद विद्वानों के विचार, उसके बाद उसकी युद्ध एवं शांति की नीति, उसके पश्चात हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और अंततः इसके मूल्यांकन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर की राजपूत नीति तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी सूझबूझ, उदारतापूर्ण, विवेकपूर्ण एवं सहयोग की नीति पर आधारित थी। इस नीति के कारण मुगलों एवं राजपूतों के बीच मधुर संबंध कायम हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित साम्राज्य स्थापित करने में अकबर को राजपूतों से सहायता प्राप्त हुई। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नूतन मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना था। दरअसल अकबर को देश में ऐसे मित्रों की तलाश थी जो उसे समर्थन और सहयोग प्रदान करे। राजपूत अपनी वीरता एवं शौर्य के लिए विख्यात थे। अकबर ने अनुभव किया कि राजपूतों से शत्रुता मुगलों के लिए घातक हो सकती है, परंतु उनकी मित्रता उनके लिए उपयोगी होगी। अकबर ने पाया कि अधिकांश भारतीय लोग मुगलों को विदेशी समझते थे, वे उन्हें लुटेरा मानते थे। इस कारण उनके मन में मुगलों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। साथ ही मुगलों की सेना में अधिकांशता सैनिक विदेशी थे तथा उन्हें इसी पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था। ऐसी अवस्था में एक स्थायी, शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य की कल्पना एक स्वप्न मात्र था। ऐसी परिस्थिति में अकबर ने यह अनुभव किया कि वीर राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर न केवल भारतीय सैनिकों की प्राप्ति होगी, वरन इस राजवंश पर राष्ट्रीयता की छाप भी लगाई जा सकेगी। कुछ विद्वानों के विचार हैं कि एक राजपूत की छत्रछाया में जन्म लेने के कारण उसने राजपूतों के प्रति श्रद्धा एवं सहानुभूति की भावना का संचार हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार परंपरागत धार्मिक उदारता को इसका कारण बताया है। उसके पिता, माता, शिक्षक एवं संरक्षक सभी उदार चरित्र के थे। इसका प्रभाव अकबर पर भी पड़ा। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि मात्र स्वार्थ के कारण उसने राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाई थी। राजपूतों को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने युद्ध तथा शांति की नीति का पालन किया। सर्वप्रथम उसने राजपूतों से मित्रता के लिए हाथ बढ़ाया। अनेक राजपूतों ने शांतिपूर्वक संधि कर ली और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कुछ राजपूत शासकों ने इसे अपना अपमान समझा और अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पर अकबर को युद्ध नीति को अपनाना पड़ा। अधीनता स्वीकार, संधि एवं युद्ध के उपरांत अकबर अधीनता स्वीकार कर लेने वाले राजपूतों को उनका संपूर्ण राज्य लौटा देता था। उन राज्यों का आंतरिक शासन उन्हें सौंप दिया, परंतु
उनकी वैदेशिक नीति का संचालन अकबर ने स्वयं ले लिया। इसी नीति के तहत अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, मारवाड़ आदि राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक संबंध भी कायम किए। अकबर ने वैवाहिक संबंध को राजपूतों के साथ संधि का एक आवश्यक अंग बना दिया। कुछ इतिहासकारों ने अकबर की इस नीति की प्रशंसा की तो कुछ ने इसे निंदनीय बताया, परंतु यदि सावधानीपूर्वक वैवाहिक नीति का परीक्षण करें तो पाते हैं कि उसने सभी राजपूत कन्याओं के साथ उचित व्यवहार किया था तथा उन्हें पूरी मर्यादा और सम्मान दिया। अकबर ने धार्मिक उदारता के द्वारा राजपूतों का हृदय जीतने का प्रयास किया। उसने धार्मिक भेदभाव समाप्त कर हिंदू मुस्लिम को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। हिंदुओं को अपने धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने की छूट दी गई। इसके कारण अकबर को वित्तीय हानि तथा धर्मांध मुसलमानों के कोप का भाजन बनना पड़ा, किंतु वह धार्मिक उदारता हेतु दृढ़ संकल्पित था। अब इसका मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अकबर की राजपूत नीति तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी राजनीतिक सूझबूझ तथा उसकी धार्मिक उदारता से प्रेरित थी। इस राजपूत नीति का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण, चिरस्थायी एवं दूरगामी साबित हुए। यह मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अकबर ने राजपूतों को मुगल प्रशासन में ऊंचे पद, बड़ी जागीरें और दरबार में उचित सम्मान दिए। वे अब मुगल साम्राज्य के प्रबल समर्थक बन गए और इसके विस्तार एवं सुरक्षा में राजपूतों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।